नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। आज है संडे, तो अभी बजे हैं सुबह के 6। मैंने उठ के बनाई है चाय, और अभी और भी बहुत कुछ तैयारियां करनी है क्योंकि आज छुट्टी के दिन हम जाएंगे खेत। तो खाना तो मैं आकर बनाऊंगी, अभी थोड़ा सा नाश्ता बनाऊंगी थोड़ा। तो क्या बनाती हूँ, क्या कैसे करती हूँ, बने रहे मेरी वीडियो के साथ। मैं निकाल लेती हूँ फटाफट से झाड़ू, और पोचा पाचा तो फिर आकर शाम को ही लगाऊंगी। मैं बना रही हूँ नाश्ते के लिए पोहे। तो तेल गरम करके जीरा राई का तड़का लगा दिया, और अब इसमें डाल देते हैं प्याज, हरी मिर्च जिनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है, थोड़ा सा भुनने के बाद हल्दी, लाल मिर्च और स्वादानुसार नमक डाल देंगे। कई लोग पोहों में मिर्ची नहीं डालते, लेकिन मेरे बच्चे को तो चटपटा पसंद है, इसलिए मैं मिर्च डालती हूँ। और फिर कटे हुए टमाटर डाल दिए। इनको अच्छे से भुनने के बाद ये पोहे मैंने धो लिए हैं, और इनको डाल देते हैं जो मसाला तैयार किया है उसमें। अच्छे से मिला देंगे और हमारे बहुत ही स्वादिष्ट जल्दी से नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। आपके पास अमचूर पाउडर हो तो वो डाल सकते हो, या फिर जो मैगी मसाला आता है वो डाल देंगे। कई पोहों के पैकेट में पोहा का मसाला भी आता है, वो भी डाल देते हैं, लेकिन इस पोहे के पैकेट में कोई मसाला नहीं था, तो मैंने यहाँ पर मैगी मसाला डाला है। और इसको अच्छे से मिला देते हैं। नींबू का रस भी डाल सकते हो, अगर पास में हो तो हरा धनिया भी डाल सकते हो। और ये देखिए, बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता बनकर तैयार एक हो एक चुका पोहा है। खुला हुआ है, एकदम आपस खिला में खिला एक भी नहीं चिपका। पोहा और बना इस तरह है। से मेरे बच्चों को पोहे बनाए हुए बहुत ही अच्छे इधर लगते हैं। दूध भी गरम कर लिया मैंने, और ये देखिए दही के साथ पोहों का नाश्ता कर रही हूँ। और अब जा रहे हैं हम अपने खेत। रास्ते में हमने भरवाया डीजल, सॉरी पेट्रोल। और ये देखिए रास्ते में ये आ गया कॉलेज, और ये आ गया संकट मोचन बालाजी का मंदिर रास्ते में ही। और अब हम पहुँच चुके हैं अपने खेत। ये देखिए, बहुत ही सुबह सुबह तो अच्छा मौसम है। खेतों की सुरक्षा के लिए इस तरह की ये तार लगा देते हैं, जिसमें बिजली का करंट होता है, और इससे कोई भी जानवर खेत में नहीं आ सकता। तो अपने खेतों के चारों ओर किसान इस तरह की लाइन लगा देते हैं। खेत में आए हैं तो ये तो तोड़ने ही है। ये देखिए, ये जहाँ जहाँ मुझे दिख रहे हैं मैं तोड़ रही हूँ। ये अड़ाव में गाय चर रही है। ये हमारी ढाणी दिखाई दे रही है, इधर भैंस खड़ी है, और ये गाय का बछड़ा है, ये भी चर रहा है। ये डर गया मेरे से, भाग रहा है। इस तरह से इसको लंबा बांध के रखते हैं। उधर आगे वो भैंस, बंधी हुई है। इसके आगे भी घास काफी सारा है रखा हुआ, देख रही है मेरे को। आगे चलते हैं अपनी ढाणी की तरफ। इधर ये हमारा खेत, काकड़ी के बीजों की चीतरी इस तरह से बनाते हैं। और अभी हम बैठ के पी रहे हैं चाय। आज आते ही चाय बना ली थी इन्होंने, तो चाय का मज़ा ले रही हूँ मैं, आनंद से पी रही हूँ अभी तो। लेकिन आगे धूप में काम करते करते मेरी हालत होने वाली है ख़राब। अब हम देखिए तो ये अड़ाव है, और इस अड़ाव को पार करके जा रहे हैं। ये मेरे साथ हैं जो हमारी काश्तकार हैं, वो ये बकरियां बैठी है, जुगाली कर रही है सुबह सुबह खा पी के खेजड़ी की छाया में। और ये है रीति का, जो कंकेड़े तुड़ा रही है मेरे को। ये देखिए, ये देगा। दिखा रही है। और आगे हम जा रहे हैं, ये देखिए
ये बच्ची कह रही है कि मेरे को जो दिख रहे हैं मैं उनको तोड़ के ही रहूँगी। तो ये देखिए, ये तोड़ रही है बाढ़ करेले या मीठे करेले जिसे कहा जाता है। और ये देखिए, पकने के बाद इस तरह से ये लाल कलर के हो जाते हैं, बेलें इनकी जल चुकी है क्योंकि अब बरसात रुक गई है। ये देखिए, ये भी तोड़ रही है कंकड़े। ये है सारी गंवार की फसल, फलियां पकने लग गई है और वो आगे मेरे लिए काकड़ी इकट्ठे कर रही हैं। इधर ये है बाजरे की फसल और ये ग्वार है इतना बड़ा बड़ा, तो मैं तो इस ग्वार में फंस गई। अब आगे समझ में नहीं आ रहा कि जाऊं कैसे। एक एक कदम इतना संभल संभल के रखना पड़ रहा है। धूप भी इतनी तेज़ हो गई कि पसीना पसीना हो रहे हैं। हालांकि समय अभी 10 बजी है। ये मेरे साथ है रितिका, जो इस गंवार की फसल में मेरे को पार करवाते हुए आगे ले जा रही है, क्योंकि गंवार की फसल इतनी ज़्यादा है कि चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। और इसने बहुत सारे मेरे लिए कंकड़े भी तोड़े हैं। थैंक यू बेटा। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? सातवीं क्लास में पढ़ती है ये। लेकिन ये अपनी बड़ी मम्मी को पूरा काम करवाती है इस खेत में। और ये तो गांव के अमूमन सभी बच्चे करवाते हैं, हमने भी बहुत करवाया है। इधर खेतों में चल रहे हैं फुहारे बहुत ही शानदार। बेल बढ़ गया मस्त पर मतेरी गाँव आवे तो देखो दे फोड़ी है मेरे वास्ते मतेरी और अब मैं खा रहा भाई। खेत के यही आनंद है जहाँ पर काकड़िया मतीरिया मिला फोड़ा खा लिया। ये गुआर का पौधा है और इन सभी गुआर के पौधों पे आप देख सकते हो कि फलियां कम हैं। ये फलियां कम होने का कारण क्या है कि जो ये ऊपर हमें दिखाई दे रहा है, ये देखिए इस पे ये जो फलियां दिख रही है ये यहीं पर इकट्ठी हो गई, आगे नहीं बढ़ पाई। इस कारण अब की बार गंवार की फसल में फलियां कम हैं, वरना नीचे से ऊपर तक फलियां ही फलियां होती है। और इस साल सारा का सारा गंवार इस तरह से हो रहा है, पता नहीं कौन सी बीमारी है ये। ये देखिए, कच्ची फलियां आगे जो नहीं आनी चाहिए वो इस तरह से गोल हो जाती है, लंबी आगे नहीं बढ़ पाती। बहुत कम गंवार के साफ फली है जो सब्जी के लिए तोड़ सकते हैं। इस बार तो थोड़ी बहुत फली मेरे को मिल गई, लेकिन अब की बार आऊँगी तब ये सारा गंवार शायद पक जाएगा। धूप काफ़ी हो गई है लेकिन मैं अभी गंवार की फलियां तोड़ने में बिजी हूँ। पसीना आ रहा है लेकिन कोई ना, अभी थोड़ी सी टूटी है इतनी सारी फलियां, थोड़ी सी और करती हूँ कोशिश। 2-3 सब्जी की तो तोड़ के ले जाऊँ इतना जब आई हूँ तो। ये एक और गुमार है जिसके भी ऊपर देखो इस तरह की फलियां हो रखी है। गुमार की फलियां 2 तरह की होती है, अड़क और सड़क। मैं फटाफट से फलियां तोड़ रही थी और ध्यान मैंने दिया नहीं कि जो मैं फलियां तोड़ रही हूं वो सही है या नहीं, क्योंकि जो अड़क फली होती है वो टूटती नहीं है जल्दी से और जो सड़क होती है वो इस तरह से टूट जाती है। तो मैंने काफ़ी सारी अड़क फलियां भी तोड़ ली, फिर मैंने थोड़ा सा ध्यान दे के तोड़ा। और ये देखिए, ये मुझे मिले बढ़िया काचर और आगे मैं फिर फलियां तोड़ रही हूँ। और अब मैं देख देख कर चेक करके तोड़ रही हूँ कि कहीं अड़क फली ना तोड़ लूँ, क्योंकि अड़क फली है उसमें एक कड़क हिस्सा होता है जो सब्जी में गलता नहीं है, कड़क रहता है, वो गले में फंस जाता है, दांतों में फंस जाता है। तो इस तरह से मैं आगे जा रही हूँ फलियाँ तोड़ते हुए। तोड़ती हूँ और फलियाँ तोड़ने के बाद मैं तोड़ रही हूँ यहाँ पर सिट्टे, ताकि मोरन मोर के खा सकें। तो सिट्टे तो मेरे को ज़्यादा नहीं मिले। हाँ आऊँ बेटा,
मुझे तो इस भरे खेत में पके हुए अच्छे सिट्टे भी नहीं दिखाई दे रहे जो हम मोड़ सकें। इधर ये तूकलियाँ पता नहीं क्यों बोल रही है, माना जाता है जहाँ पर कोई सांप सलीका होता है वहाँ पर बोलती है ये। इतने सारे सिट्टे तोड़े हैं मैंने उस पेड़ पर, लगातार ये तूकलियाँ बोल रही है। एक पेड़ पर ये देखिए पक्षी बया ने कितने सुंदर घोंसले बना रखे हैं, और कितने सारे हैं एक ही पेड़ पर, बहुत ही शानदार। एक ही पेड़ पर लगभग 50 घोंसले हो सकते हैं ये। दुर्लभ पक्षी बया और दुर्लभ ये घोंसले देखिए, छोटे बड़े कितने। इस पक्षी की कारीगरी के आगे तो इंजीनियर भी फेल माने जा सकते हैं, क्या शानदार घोंसले बनाए हैं इन्होंने। तो आज देखिए खेत से मैं ये करेले, बाड़ करेले लाई, साथ ही कुछ ये गंवार की फलियां, साथ ही कुछ ये काकड़ी, एक काचर भी ले आई सब्जी बनाने के लिए, और ये सिट्टे भी ले आई, इनको भी हम गैस पे ही मोरेंगे। और ये देखिए ये काकड़ी। तो मेरा ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू, मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में, तब तक जय श्री कृष्ण, राधे राधे, और इसी तरह से मेरा साथ देते रहें।